भाजपा चास दक्षिणी मंडल द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। चास के बिना रीजेंसी में भाजपा चास दक्षिणी मंडल द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बोकारो विधायक बिरंची नारायण मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयप्रकाश तपाड़िया ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोकारो विधायक ने मोदी जी की उपलब्धि को बताया, साथ ही गाँव चलो अभियान को लेकर बातें भी कही। मौके पर मुख्य रूप से कमलेश राय, भाजपा नेत्री डॉक्टर परिंदा सिंह, विकास अग्रवाल, अमर चौरसिया, मंतोष ठाकुर, पन्नालाल कांडू सहित बोकारो जिला के भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी चासनगर दक्षिणी मंडल का कार्यकर्ता मिलन समारोह आज बिना रीजेंसी के सभागार में सम्पन्न हुआ, जिसमें बोकारो के लोकप्रिय विधायक माननीय बिरंची नारायण जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, जो पार्टी चुनावी दौर में आ चुकी है, चुनावी मोड में आ चुकी है, उसमें विजय पताका हम किस प्रकार लहराएं। लगातार तीसरी बार धनबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का विजय पताका हम लोगों को लहराना है। साथ ही दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बने, इसके लिए एक एक कार्यकर्ता आज से सजग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यक्रम गांव चलो अभियान चल रहा है, इसके निमित्त विभिन्न मंडल के विभिन्न कार्यकर्ताओं को, छोटे बड़े वरिष्ठ कनिष्ठ सभी कार्यकर्ताओं को प्रवास दिया गया है। उन्हें जाकर सरकार की योजनाओं के संबंध में, आयुष्मान भारत के संबंध में, जो जन कल्याणकारी योजनाएँ मोदी जी के नेतृत्व में अखंड भारत का जो निर्माण हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो मंदिर, जिसकी तारीख नहीं बताएंगे विपक्ष कहता था, वो सपना साकार हुआ है, धारा 370 हट गया है, इन सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को और जरूरतमंदों तक किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम लोगों ने एक एक योजनाओं को गरीबों तक, वंचितों तक, दलितों तक, पीड़ित तक, आदिवासी तक पहुँचाने का काम किया है, ये जा कर के बताना है। और वहाँ के शहीदों से, वहाँ के सिपाहियों से, वहाँ के रक्षकों से, वहाँ के कोई प्राचार्य है, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं और जितने भी किसी भी वर्ग के लोग के पास जाकर के मिलना है, और सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का परचम हम किस प्रकार पुनः लहरा सके, इसके लिए यह कार्यक्रम 4 जनवरी से 11 जनवरी तक चल रहा है। और लगातार कार्यकर्ताओं को अभी लोकसभा चुनाव तक काम करना है, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव के लिए हम लोगों को लगना है। यही हम लोगों का ध्येय है कि पुनः एक बार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की शासनकाल में अब की बार का जो नारा है 400 पार, वो स्वप्निभूत हो